हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपायरी डे के दिन कैसे ट्रेडिंग की जाती है, कैसे हम लोग एक्सपायरी डे के दिन ऑप्शंस राइटिंग करके एक अच्छा कंसिस्टेंटली एवरी वीक वाइज वीक प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होता है और बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होता है। सो हम लोग का एक प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी है, सेटअप है। एवरी वीक कंसिस्टेंटली हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं। और मेरे मेंटरिंग वेबिनार्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के साथ मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ। लाइव ट्रेड लेते हैं हम लोग और एवरी वीक हम लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाते हैं। सो उसका मैं आपको एक सिंपल आइडिया देता हूँ कि हम लोग कैसे ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको सीखना है तो मैंने नंबर दिया हुआ है, आप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो आपको जानकारी मिल जाएगा आप कैसे सीख सकते हो स्ट्रैटेजी। सो मैं आपको जस्ट एक आइडिया देता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है रेंज फाइंड आउट करना। अगर आपको एक्सपायरी डे के दिन मास्टर बनना है, अगर आप रेंज फाइंड आउट करना सीख लोगे कि ये रेंज में एक्सपायरी हो सकता है, तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो सबसे पहला स्टेप होता है रेंज फाइंड आउट करना। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हो निफ्टी चार्ट, ये 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। आपको रेंज फाइंड आउट करना है दो तरीके से। तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर रेंज फाइंड आउट करना है, प्लस निफ्टी का ऑप्शन चेन। ये दोनों जब कंबाइन आपको एक रेंज बताएगा, लेट से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, कल के लिए 11,500 से लेके 11,700, लेट से आपको एक रेंज मिल गया फॉर एग्जाम्पल। अब आपका जो टारगेटेड स्ट्राइक प्राइसेस होने चाहिए, जो आपके ट्रेड्स होने चाहिए, वो इस हिसाब से डिजाइन होने चाहिए कि 11,500 से 11,700 के बीच में रहा तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको आना चाहिए। अब हम लोग क्या ट्रेड लेते हैं, क्या लॉजिक से एडजस्टमेंट करते हैं, ये मैं आपको यूट्यूब पे नहीं सिखा सकता, आपको नंबर पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहला स्टेप होता है रेंज फाइंड आउट करना। सेकेंड स्टेप होता है बास्केट अरेंज करना। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का आपको बास्केट अरेंज करना पड़ता है। सिर्फ सेलिंग हम लोग नहीं करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग दोनों होता है। हेजिंग के साथ ट्रेडिंग करो और सडन मूवमेंट के लिए आप प्रोटेक्टेड रहो। तो बाइंग एंड सेलिंग का कॉम्बिनेशन आपको बास्केट अरेंज करना पड़ता है। वो बास्केट अरेंज करने के बाद आपको ट्रेड लेना पड़ता है। हम लोग उसमें कुछ टाइम मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। तो आपको अगर सीखना है एक्सपायरी स्ट्रैटेजी, तो आप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको डिटेल मिल जाएगा। अगर आपको एक्सपायरी डे के दिन कंसिस्टेंटली पैसा कमाना है, तो दो चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहला रेंज, आपका जो बास्केट ऑफ स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए बाइंग एंड सेलिंग का, उसका प्रॉफिट एंड लॉस सिनारियो चार्ट के थ्रू जो रेंज आता है वो, ये दोनों आपका मैच होना चाहिए। अगर आपका स्ट्रैटेजी का सिनारियो एंड रेंज जो आपने निकाला है, ये दोनों मैच हो रहा है, तो आपके प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 80-90% हो जाती है। ये सिंपल तरीका है एक्सपायरी डे के दिन कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाने का। आज से मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, अगर आप एक्सपायरी डे के दिन ऑप्शंस राइटिंग करके ट्रेड करते हो, तो आप एक दिन पहले ही शाम को प्लान कर लो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन से रेंज में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक्सपायर हो सकता है। तो इससे आपको हेल्प होगा ट्रेड करने के लिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।